ये पिंधिब नंदीग्राम विजय मुकुट। नंदीग्राम निर्वाचन तारीख जिते पाखे आसुचे राजनैतिक हावा से सरगरम होवार लगी। आसंता एक तारीख में हेब पश्चिमबंगे विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान। एथिपाई आज होउछि प्रचार शेष दिन। अंतिम दिन सरगरम होब प्रचार मैदान। बीजेपी प्रार्थी शुभेन्दु अधिकारी प्रचार करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती रोड शो करेंगे। यह राली दिन 12टा समय होवार कार्यक्रम रही। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित सीधासळख जोड़ी प्रतिनिधि शांतिभूषण अछंती। शांतिभूषण, नंदीग्राम रे निर्वाचनी महासंग्राम, हुलचारे दीदी देखाबे दम, सेपटे शुभेन्दु रणहुंकार देवे शाह, केउठे केडी शाहक गस्त एक प्रकार बीजेपी एक बड़ स्ट्रेंथ हबो कि? देखो नंदीग्राम रे वर्तमान बिग फाइट होवा जाऊँगी। आज प्रचार शेष दिन मुझे सीधा चित्र देखेबी। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जो जगह को आसबे से जगार चित्र हूँ ये पहुँचे दिन 12टा रे। अमित शाह पहुँचवा पर पखापाखि 5 किलोमीटर से रोड शो करे। यही स्थान से रेयापड़ा जिबे और से रेयापड़े रोड शो सर। से रोड शो में अमित शाह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगदेवे। कि मिथुन चक्रवर्ती जो कार्यक्रम रही से आउ गोटे अलग कार्यक्रम रही से नंदीग्राम रही कि अमित शाह कार्यक्रम से सामिल होना। यह सूचना आम सहित आम पाखे अच्छी। मुझे कैमेरा सहयोगी हेमंत को कहे सी आपको देखेबे जो ताजा चित्र देखुं आप लाइव भिजुआल्स देखुं। सेंट्रल पारामेडिकल फोर्स जो सीआरपीएफ जवान मैंने से मुतयन अच्छा। एपटे आप देखु जवान मैंने रास्त जो अच्छा ये पूरा विभिन्न छक जगार से मुतयन हे जेहेतु इटि राजनीतिक हिंसा बढ़ी चली। विभिन्न समय आप जानते बिस्मी जे केवल पश्चिमबंग राजनीति में बीजेपी अभियोग करखापाखि 130 जन बीजेपी नेता मुंड टीएमसी कर्मचारी मैंने आक्रमण कर टीएमसी कर्मी मैंने आक्रमण कर अभियोग विभिन्न समय केन्द्र गृहमंत्री निजे करपाई सुरक्षा को कड़ाकड़ी ताजा चित्र देखुं। केन्द्रमंत्री गस्त पूर्व ये हूँ सुरक्षा व्यवस्थार चित्र। सुरक्षा को पूरा कड़ाकड़ी पारामेडिकल फोर्स विभिन्न स्थान में मुतयन अच्छा। सहित मुझको किसी रिएक्शन देखे ने स्थानीय लोक जो मैंने से रिएक्शन होने चेस्टा करी। बड़ कथा हूँ जे अमित शाह ये कार्यक्रम पर आज जेहेतु प्रचार शेष दिन से पूरा दम लगे बीजेपी शुभेन्दु अधिकारी गोटे पटे शुभेन्दु अधिकारी और अंपटे अग्निकन्या कहुवा एवं पूर्व निश्चित भाव आप जानते बिस्मी जे जो नंदीग्राम दिने ममता बनर्जी राजनीतिक क्यारिययर टर्निंग पॉइंट थिला। जो नंदीग्राम 2007 मार्च 14 में गुड़िकाण्ड घटी शिल्पायन को विरोध करुते स्थानीय लोके 14 जन जीवन जाता से ही नंदीग्राम दिन ममता टर्निंग पॉइंट थिला। एवं राजनीतिक क्यारिययर टर्निंग पॉइंट होगा जाऊँगी जेहेतु शुभेन्दु अधिकारी सहित बिग फाइट होगी। निर्वाचन में जी जितब से बड़ उपलब्धि या हम जदि शुभेन्दु अधिकारी जितने तेल निश्चित भाव में ममता राजनैतिक क्यारिययर द एंड कहुचित भाव में टीएमसी जो भोट रही पारंपरिक भोट रही विगत दुईट निर्वाचन 2016 कथा कहतु 2011 कथा कहतु टीएमसी दबदबा था। शुभेन्दु अधिकारी प्रार्थी होते 134,000 भोट पाई बहुत बड़ व्यवधान में विजयी होते निकटतम प्रतिद्वंदी वामपंथी दल लड़ुते एथरक त्रिमुखी लड़ई हेबो कि मुख्य प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी और शुभेन्दु अधिकारी भितर हम किसब पर शुभेन्दु अधिकारी पहुँचे। आप सीधा चित्र देखुं सारा देशर नजर रही नंदीग्राम उपर। आज जेहेतु प्रचार शेष दिन हाई भोल्टेज ड्रामा गत काली आम देखी ये ममता बनर्जी रोड शो करते आज केन्द्रमंत्री केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आसम पर पहुँचे सहित धर्मेन्द्र प्रधान सामिल हे केन्द्रमंत्री और किसी स्थानीय बीजेपी कर्मी अच्छा से प्रतिक्रिया चेस्टा करवा। मुझे कैमेरा सहयोगी हेमंत को कहे सी आपको चित्र देखेबे जो मैंने मोदी फोटो अच्छी देखुं आप बैनर पिंधि मोदी फोटो अच्छी शुभेन्दु अधिकारी फोटो अच्छी से पिंधि एमने बीजेपी कर्मी एमने अपेक्षा कर शुभेन्दु अधिकारी किस समय पर पहुँचे तो आम पचारि बुझा प्रकृत में जो बिग फाइट होती मुद्दा कौन अच्छी प्रसंग कौन बीजेपी पे सब बड़ प्रसंग कौन नंदीग्राम में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों को अभी 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो अभी नरेंद्र मोदी आएगा तो हम लोग यही सोच रहे हैं हमारे लिए कुछ होगा। सबसे बड़ा प्रसंग इश्यूज क्या है बीजेपी के लिए? यहाँ तो शुभेन्दु अधिकारी MLA थे। हाँ तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए क्या है? बीजेपी के लिए हम लोग यही सोच रहे हम लोग बदल चाहिए। ये जो था 10 साल में हम लोग इसको नहीं चाहिए अलग।
अच्छा, टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी, अभी बीजेपी आ गए, तो जो वोट था टीएमसी का 1,34,000 वोट उनके खाते में थे, अभी वो वोट बीजेपी को आएगा, ये विश्वास आपके पास? उससे ज़्यादा आएगा बीजेपी को। कैसे? कैसे, वह हमारा इधर है तो हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, तो हमारा उससे ज़्यादा वोट हम लोग मिलेगा। अच्छा, टीएमसी बोल रहा है कि यहाँ माइनॉरिटी वोट उसके खाते में जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट, ये स्कूल आपका कैलकुलेशन क्या है इसमें, इस नंदीग्राम में मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? मुस्लिम वोट पूरा उसके तरफ नहीं, हमारे पास भी आएगा, लेकिन हम लोग इशू नहीं बनाए, इशू बनाया ममता दी हिंदू मुसलमान के लिए। अच्छा। तो हम बीजेपी को, माने बीजेपी नहीं बनाया इशू, लेकिन वो खुद बना रहा है हिंदू मुसलमान का इशू। शुणुले बीजेपी जहाँ कहूँ और स्थानीय कर्मी जहाँ कहूँ, तो सबुठ बड़ प्रसंग राजनीतिक हिंसा रही, नंदीग्राम में राजनीतिक हिंसा रही। गत काली खबर हो शुभेंदु अधिकारी एक रैली शोभायात्रा कर अटका जाता और संख्यालघु लोक अटक रखी बोलिक रैली को कहुचे ट्विट करते निजे शुभेंदु अधिकारी। ता सहित बागुद्ध ममता बानाजी और शुभेंदु अधिकारी भितर विभिन्न समय लग रही, जेहेतु आज प्रचार शेष दिन तेणु सरगरम प्रचार र अमित शाह किस समय पहुँचा पर यू रोड शो करेंगे और सहित केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सामिल होती और मिथुन चक्रवर्ती जो कार्यक्रम रही से यूँ मात्र 2-3 किलोमीटर आगे आउ एक स्थान से रोड शो करेंगे नंदीग्राम में, जेहेतु प्रचार शेष दिन अच्छी तेणु निश्चित भाव में कहुई पाए जो सारा देशर नजर आज रही है नंदीग्राम उपरे निहतरे शांति भूषण तापर मध्यम समस्त नजर रहा। शांति भूषण सब बड़ कथा हो आज हूँ प्रचार शेष दिन सब हेवी वेट को पूरा जी कह कि एक प्रकार राजनैतिक माहौल पूरा देखा मिल एभली स्थित रे दुई प्रार्थी हेवी वेट तेज क्या सपक्ष स्थानीय बासिंदा क्या हाँ देखो जहाँ मुझ किसम पूर्व जो मैंने ये बीजेपी कर्मी अच्छे से प्रतिक्रिया नौले से कहते जे इटी जो प्रसंग रही बीजेपी पे राजनीतिक हिंसा तो प्रसंग रही सहित तो जो हिंदी हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी अभियोग कर मुस्लिम संख्यालघु तुष्टिकरण पर ममता बानाजी विभिन्न समय उद्यम करलकुलेसन हो 2,75,000 भोटर अच्छा नंदीग्राम में, 62,000 62,000 लोक हूँ मुस्लिम, तो मुस्लिम भोटा निश्चित भाव में निर्णायक साबित हो जे मुस्लिम भोट जुआड़े जीव कहुच्छे से विजयी हो पारे कितु ता सत्वे जो प्रसंग रही विभिन्न प्रसंग रही नंदीग्राम जो गुणिकाण्ड कथ 14 वर्ष तल कथ कौली शिल्पायन को लोक विरोध करते वामपंथी जो सरकार थी दीर्घ 34 वर्ष सरकार जितेबले से ही जगार गुणिकाण्ड घटला और टर्निंग पॉइंट है ममता राजनीतिक क्यारिअर में वाम गादीच्युत हेले एवं ममता सरकार को आसिले एबे 10 वर्ष सरकार चली पुणी से ही स्थान ही एक टर्निंग पॉइंट हाँप जाऊँगी पुणी ममता राजनीतिक क्यारिअर जदि ममता बानाजी हारे राजनीतिक क्यारिअर द एंड हे कहूँ। शुभेंदु अधिकारी एकदा अति घनिष्ठ थे और बर्तमान से फाइट कर गोटे पटे भूमिपुत्र कहु अंपटे अग्निकन्या कहु ममता बानाजी को, तो अग्निकन्या भर्सेस भूमिपुत्र यू बिग फाइट ये रोचक मोड को आई जेहेतु सारा देश नजर रही है। मुझे आपको चित्र देखापी चाहूँगी लोक तो समेत अपेक्षा कर रही केतेबले अमित शाह आज पहुँचे इपटे सुरक्षा व्यवस्था कथा जो आपको कहती आम देखु विभिन्न छक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी जेहेतु राजनीतिक हिंसा बढ़ुच्च एवं विभिन्न समय यही नंदीग्राम में ममता बानाजी अभियोग करते आटाक होता से दिन सी एवं ह्विल चेयर बस रैली करछन्ति पॉलिटिकल शोभायात्रा सब करछन्ति ह्विल चेयर बस एवं एठी धर्मेन्द्र प्रधान एक शोभायात्रा उपर पूर्व अटाक होता आपण जानते सेठी बीजेपी कर्मी मान आक्रमण होता गत काली शुभेंदु अधिकारी शोभायात्रा को एक संख्यालघु प्रोन एरिया से अटक रखा से नहीं अभियोग करते तो विभिन्न समय ये संख्यालघु कार्ड खेलुंट ममता बानाजी ताकू नहीं बीजेपी आपत्ति करुच्ची राजनीतिक हिंसा बढ़ुच्ची और सबुठ बड़ घटना हूँ जे 85 वर्ष महिला जे तर आटाक होता टीएमसी कर्मचारी मैंने आटाक करते शोभा मजुमदार देहांत गत काली सारा देश में आप जानते केन्द्रमंत्री केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आरंभ कर जेपी नड्डा धर्मेन्द्र प्रधान इन समय निंदा करते से राजनीति में एक प्रसंग हाँपी जा ममता बानाजी दिने माँ माटी मानुषर नारा देते से एवं महिला सम्मान दौना ये अभियोग बीजेपी करुच्ची तेणु बड़ प्रसंग बीजेपी रही राजनैतिक हिंसा ता सहित जो पीएम किसान निधि चाषी मान टा मिलूनी से मध्य एक प्रसंग रही सहित आयुष्मान भारत योजना सामिल होना पश्चिम बंग सरकार से मध्य एक प्रसंग रही शिल्पायन को जेहेतु विरोध करा विभिन्न समय इटे शिल्पर प्रगति हो पार नहीं नंदीग्राम जो कथा मुझे कहती 2007 नजर रही प्रसंग रही अंपटे देखा कि नंदीग्राम निर्वाचन महासंग्राम देखा मिले तेज सुरक्षा व्यवस्था को एक प्रकार
कड़ाकड़ी करा जाय छि तबे प्रचार मैदान रे प्रमुख दलर हेवीवेट मध्य तापर मध्य समस्तक नजर रहय बहुत धन्यवाद शांति भूषण एवं समस्त सूचना पाई।